हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल लाइव। तो आई एम संयुक्ता फ्रॉम उन्नाव। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम अपनी रेसिपी शुरू कर सकें। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर चीजी टोस्ट। तो उसके लिए हम पनीर चीजी टोस्ट रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, चलिए उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज हमारी रेसिपी का जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है अमूल का चीज, अमूल का बटर। और इसके लिए यहाँ पर हम कुछ ब्रेड की स्लाइस यूज़ करेंगे, यहाँ पर चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमाटो और पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर पनीर यूज़ किया है अमूल पनीर का। और यहाँ पर हम नमक यूज़ करेंगे, टमाटर केचप और ये सिजवान राइस मसाला है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और यहाँ पर रेड चिली है, ग्रीन चिली थोड़ी सी कट की हुई है और ये हमारी चिली फ्लैक्स, शिमला मिर्च थोड़ी सी कट की हुई है और ये हमने मलाई यहाँ पे ली हुई है। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है चाट मसाला थोड़ा सा इसमें यूज़ करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, हेलो एवरीवन, आप सब जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम अपनी रेसिपी शुरू कर सकें। आज की रेसिपी बहुत ही इजी बनने वाली है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम अपनी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। हेलो, वेलकम टू, आपका हमारे लाइव में बहुत बहुत वेलकम है। बॉस के जी, यहाँ पर हम एक लेंगे, बड़ा बाउल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है और इसमें सबसे पहले डालेंगे हम जो हमारी चॉप्ड अनियन है, इसको डाल देंगे। इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। और इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, टमाटो जो हमने पनीर कट किया हुआ है इसे भी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे ये हम शिजवान राइस मसाला जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने मलाई ली हुई है, घर की फ्रेश अमूल दूध से फ्रेश मलाई ली है मैंने। ये टमाटर केचप इसमें यूज करेंगे। चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, यहां पर चिली फ्लेक्स हम थोड़ा ही यूज करेंगे, थोड़ा रेड चिली पाउडर डालेंगे। और अब यहाँ पर हम यूज करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो अब इसे हम यहाँ पे ग्रीन चिली, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारी टोस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए मसाला रेडी हो गया है। बच्चों के लंच बॉक्स में और ब्रेकफास्ट में छोटी सी छोटी छोटी भूख के लिए आप कभी भी इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। तो अभी ये हमारा रेडी हो गया है, तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली हुई है, स्लाइस को ले लेंगे हम। और यहाँ पर अमूल बटर खोलेंगे। अमूल बटर को हम इस पे रखेंगे और रख करके इसे हम अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे इस तरह से। अभी सब जगह हमारा बटर लग गया है और अब हम इसके ऊपर ये मसाला इस पर अच्छे से डालकर फैला देंगे। इस तरह से सब तरफ इसे अच्छे से हम फैलाएंगे। आप सब कहाँ से देख रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह से ये अच्छे से हमारी ये फिल हो गई है। हेलो मधु जी, यहाँ पे हम गैस को ऑन कर देंगे। सबसे पहले फ्लेम को हम ध्यान रखिएगा, फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, बहुत ज्यादा इसे हमें तेज नहीं रखना है।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने, ये हमारे पास अमूल की स्लाइस है, इसे हम इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डाल देंगे। आप मोजरेला चीज ले सकते हैं, आप इस पर प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। बटर मैंने इस पे लगा दिया है और इस पर अब हम इसे रखेंगे। और इसके ऊपर हम एक कवर कर देंगे जिससे कि जो हमने चीज इस पे लगाई है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो भी हमारा इसमें, हमारे और भी जो वेजीज हमने इसमें डाली है वो भी थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए, मिक्स हो जाए सारे मसाले। हम इसे खोल लेंगे। जब तक हमारा हो रहा है हम इसे खोल लेते हैं, जो बहुत ही आराम से खुल जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये हमारा निकल आता है और ये बहुत ही चीजी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे और एक चीज की स्लाइस हम और तैयार करेंगे। जब तक हमारा हो रहा है उसमें तब तक हम एक बना करके इसे रेडी कर लेते हैं। बटर लेकर के इसमें लगाएंगे।
फ्लेम हमें बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि नीचे जले नहीं। इधर हमारा ये हो रहा है, तब तक हम इसे तैयार करते हैं अच्छे से। हेलो मधु जी, आज मैं पनीर चीजी टोस्ट बना रही हूँ। जी मधु जी, चीजी सैंडविच बना रही हूँ। आप इसे चीजी टोस्ट, चीजी सैंडविच आप इसे बोल सकते हैं। तो हम इसके ऊपर के मसाले को इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से। ये बनने पर बहुत ही टेस्टी लगता है, आप अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। बस इसके ऊपर ये चीजी टोस्ट, ये चीजी आपका ये चीज लगा देंगे इसे, जिससे ये बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होता है। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है और अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये देखते हैं, चीज हमारी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। वाह, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो ये देखते हैं बढ़िया। और इसके ऊपर अब हम और इस पर थोड़ा सा बटर लगा दे दें, लगा करके दूसरा भी हम इस पे डाल देंगे, ये होता रहे। और इसे कवर कर देंगे। और इधर हमारा ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी, और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है इससे। तो डियर, हमारा ये चीजी टोस्ट बन करके रेडी है। तो अब हम इसे चलते हैं, इसे इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए चीजी टोस्ट, पनीर चीजी टोस्ट हमारा बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से इसे ट्राई करें और इसे बनाएं और इंजॉय करें। और अमूल ने हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमें अवेलेबल कराएं, तो अमूल को थैंक यू। अमूल ने हम लोगों के लिए लाइव सेशन हम लोगों को रिकमेंड किया, और उसके लिए बहुत बहुत अमूल को धन्यवाद, अमूल टीम को धन्यवाद, और हमारी खुशबू मैम और इन सभी लोगों को, पूरी अमूल टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट रेसिपी में, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाए और अमूल के साथ। तो ओके, बाय बाय।